सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी गैलरी में कोई भी वीडियोज़ नहीं है। देख लीजिए, मेरा में एक यही वीडियो है बस, और कोई वीडियो नहीं है। अभी मैं आपको एक वीडियो डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ यूट्यूब से। तो सबसे पहले आप यूट्यूब खोल लीजिए। जब आप यूट्यूब खोलेंगे, वहाँ पर जब आपको जैसे कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी है, मैं कोई छोटी सी वीडियो ढूंढ लेता हूँ, उसको आपको डाउनलोड करके दिखाऊँगा। जैसे मुझे ये वीडियो डाउनलोड करनी है, तो आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके करना है। यहाँ पे आपको कॉपी लिंक कर लेना। कॉपी लिंक जब आप कर लेंगे, कॉपी हो जाएगा आपका लिंक। तो फिर तो उसके लिए मैं आपको कोई ऐप नहीं बताने वाला, सीधे से आपको क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पे अपने जाइए। जब आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे सर्च करना होगा pastedownload.com। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको pastedownload.com पे जाना है। वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपसे URL मांग रहा है वीडियो का, किसी भी वीडियो का। YouTube को ज़रूरी नहीं कि वो YouTube ही वीडियो है, आप कहीं से भी या URL कॉपी कर दीजिए। मैंने जो भी URL कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर आपका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड ये प्रोसेस होने लगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास क्वालिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस वीडियो का मैंने लिंक कॉपी किया था वो वीडियो नीचे आ गई है। तो उसके नीचे आपको क्वालिटी का 360p, 720p, 120kbps, ये MP4A है, ये बहुत पुरानी क्वालिटी है, इस पर आप डाउनलोड मत कीजिएगा। चलिए मैं आपको 720 पे डाउनलोड करके बता देता हूँ। मैं 720 वाले के नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो सिंपली मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जब आपको तीन डॉट दिखेंगे, वहाँ पर आपको क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए मेरा नीचे डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ये देखिए मेरा डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। फिर आपको सीधे मैं गैलरी में चेक करा देता हूँ कि मेरा वीडियो डाउनलोड हुआ या नहीं। तो उसके लिए मैं गैलरी में जाऊँगा। गैलरी में गया, ये देख लीजिए मेरा वीडियो आ गया जो मैंने डाउनलोड किया था। देखिए मैंने आपको इसके लिए कोई भी ऐप यूज़ करना नहीं बताया। आप इसे अपने ऐप के तरह रखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वेबसाइट पे जाइए। फिर यहाँ पे जो ऊपर तीन डॉट्स मिलते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप इसको ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन जो आपको जो दिखेगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर अभी यहाँ पे आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। जब आप ऐड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके होम स्क्रीन पर एक ऐप की तरह आ जाएगा। यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना, ये देखिए एक ऐप की तरह आ गया। इसके लिए इसने आपके मोबाइल में कोई स्टोरेज भी नहीं ली और ऐप की तरह भी आ गया। अगली बार जब खोलेंगे तो डायरेक्ट आप वहीं पे जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा।